नीमच जिले के सर्वानिया महाराज में मध्य प्रदेश बायोटेक्नोलॉजी पार्क का भूमि पूजन एवं विज्ञान महोत्सव के दो दिवसीय आयोजन के तहत आज सर्वानिया महाराज में मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के बैनर तले कोविड डोम में एक कार्यशाला आयोजित कर स्कूली छात्रों को चंद्रयान का मॉडल बनाने का परीक्षण दिया जा रहा है। यहाँ पर टेलीस्कोप कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। अभी आयोजन के तहत जिले के सभी स्कूली बच्चे अपना अपना चंद्रयान 3 का मॉडल बनाकर उसका प्रदर्शन करेंगे। इस आयोजन की तैयारी को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी सीके शर्मा द्वारा बताया गया है कि इस आयोजन में जिले के लगभग 6000 से ज़्यादा बच्चे सम्मिलित होकर इस प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे। साथ ही भोपाल से आए आशीष पारे, श्रीनिवास औंधकर, निदेशक MGM विज्ञान केंद्र औरंगाबाद महाराष्ट्र, अशोक श्री सागर, सुनील धनगर बड़ी कक्षाओं के छात्रों को चंद्रयान को लेकर मार्गदर्शन दे रहे हैं। विज्ञान महोत्सव के तहत आज आप सब लोग अपने विद्यालय से सर्वानिया महाराज के इस डोम हॉल में आए हैं, क्या कुछ जानकारी और क्या किस आयोजन के लेकर आप यहाँ उपस्थित हुए हैं और आपका नाम क्या है, किस विद्यालय से आए हैं? मेरा नाम अश्विनी है और मैं समता विद्यालय से आई हूँ। यहाँ पर हमको सर्वानिया महाराज में नगर परिषद के डोम में बुलाया गया है विज्ञान महोत्सव के लिए। यहाँ पर हमको टेलीस्कोप और चंद्रयान के बारे में बताया जाएगा, उसको लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। किस तरीके की विद्यालय ने तैयारी की है इस आयोजन के लेकर और आप लोगों में किस प्रकार का उत्साह है? हम बहुत एक्साइटेड है इस चीज़ को देखने के लिए कि क्या होता है, कैसे होता है, और स्कूल वालों ने भी बहुत तैयारियाँ की है इस चीज़ को। चंद्रयान 3 को लेकर आप क्या जानकारी रखती है? चंद्रयान 3 जो मतलब कि अभी साउथ पोल में लैंड हुआ है चांद के, और इसरो के वैज्ञानिक आए हैं, वो हम सबको बताएंगे कि किस प्रकार हुआ है। चंद्रयान को लेकर मन में कुछ जानकारी लेने की जिज्ञासाएं हैं आपके पास? हाँ, कुछ है कि किस प्रकार बनता है, कैसे लैंड हुआ, कैसे गया, ये बहुत एक्साइटेड है हम ये सब जानने के लिए कि कैसे होता है सब। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ समता विद्यालय की छात्रा अश्वनी थी, जिससे हम बात कर रहे थे कि चंद्रयान 3 और विज्ञान महोत्सव के तहत किस तरह से यहाँ आयोजन होने वाला है। हम जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ MP नीमच से और हमारे साथ में अभी मौजूद हैं अंतरिक्ष वैज्ञानिक, जिनसे हम बात करेंगे कि यहाँ जो किस तरीके का जो आयोजन यहाँ होने वाला है पता है? नीमच जिले में आज जो बहुत बड़ा साइंस मेला होने जा रहा है, एक बच्चों में उसकी ताकत बढ़ेगी, विज्ञान के बारे में जानकारी बच्चों को मिलेगी, और पूरे दो दिन आज और कल दोनों दिन में कम्प्लीट फुल डे जो अलग अलग विषयों के बाद जो क्या कहेंगे इंफॉर्मेशन है ये बच्चों को मिलेगी। देखा जाता है कि चंद्रयान ने जो अभी हाल ही में जो हासिल किया, जो बहुत बड़ी देश के लिए उपलब्धि है, यह सामने बच्चों के लिए लिया जाएगा। जिसको मीटिंग वोसअप भी है, अलग अलग सब्जेक्ट जो लिया गया है उसमें बच्चों को अलग जानकारी मिलेगी, उनके करियर के लिए आने वाले दिनों में इसकी बहुत बड़ी जानकारी उनको मिलेगी, और उसके ये मध्य प्रदेश के लिए बहुत बड़ी एक उपलब्धि रहेगी। ये मुझे कहना है शिक्षा विभाग के साथ में आपने वैज्ञानिक ने मिलकर क्या आयोजन और क्या तैयारी की है? अलग अलग सब्जेक्ट विज्ञान के बारे में, मैं तो औरंगाबाद से आया हूँ, मैं APJ अब्दुल कलाम साइंस सेंटर जो औरंगाबाद में है वहाँ से मैं निर्देशक हूँ, और आज के चंद्रयान कार्यशाला जो है उसको देने के लिए मैं आया हूँ। देखा जाता है कि हमने एक पेपर मॉडल बनाया है और बच्चे ये सब मॉडल बनाएंगे और खुद लेके जाएंगे, अपना वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो उसमें बढ़ेगा कि चंद्रयान जो बनाया गया था कि किस दौरे को साथ में लेते बनाया गया, वहाँ पे जाने वाले क्या काम किया होगा, आने वाले दिनों में उसको जो उसने जो इन्फॉर्मेशन भेजी है वो हमें कहाँ तक हमारा साइंस ले जाएगा, इसकी पूरी जानकारी हमने इसका कार्यक्रम रखी है। साथ ही जिसको मेकिंग वर्कशॉप भी होने जा रहा है उसके बारे में बच्चों को जानकारी दी जाएगी, और बच्चों को अंतरिक्ष के बारे में जो जानकारी है, हमारे भारत के बच्चे जो है MP के बच्चे जो है वो उसी सबसे बढ़े, ये हमारा मुख्य गौरव है। आप कितने दिन से इस आयोजन के लेकर तैयारी कर रहे हैं? मैं तो बोलते आया हूँ, आप बताइए सर। नहीं, ये कार्यशाला तैयारी हमारी काफी है। इस वक्त आपका नाम और आप किस पद पर हैं? मैं श्रीनिवास औंधकर, निदेशक हूँ महात्मा गांधी मिशन APJ अब्दुल कलाम खगोल अंतरा केंद्र औरंगाबाद। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक, जिनसे हम अभी मुखातिब हो रहे थे और उन्होंने जो है इस चंद्रयान 3 के विषय में हमको बताया और हमारे जो नीमच जिले के और मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए जो सौगात होने वाली है उसके संबंध में हम उनसे बात कर रहे थे। हमारे साथ में मौजूद है जनकपुर
हायर सेकेंडरी स्कूल के विज्ञान शिक्षक श्री जी एल धनगर, उनसे हम बात करेंगे कि किस तरीके का विज्ञान महोत्सव के तहत यहाँ पर मेला है और विज्ञान महोत्सव के तहत यहाँ क्या कुछ होने वाला है। सर, यहाँ पर सर्वानी महाराज में बहुत गौरव की बात है कि एक राष्ट्रीय स्तर का विज्ञान मेला यहाँ आज आयोजित होने जा रहा है। यहाँ पर इसरो के वैज्ञानिक, मैपकास्ट के वैज्ञानिक, आईआईटी अहमदाबाद के वैज्ञानिक आएंगे और यहाँ छात्रों को और यहाँ जो जन सामान्य है उनको विज्ञान के प्रति जागरूक करेंगे। सर्वप्रथम तो यहाँ कार्यक्रम की शुरुआत में एक कार्यशाला आयोजित होगी जिसमें इसरो के साइंटिस्ट जो हैं वो चंद्रयान कैसे बना और उसकी मेकिंग कैसे हुई, उसको असेंबल करने के लिए वो वहाँ से कुछ किट लेकर के आए हैं जो बच्चों को देंगे और वो बच्चे खुद चंद्रयान बना करके और अपने विद्यालय में ले जाएंगे। और एक टेलीस्कोप, जो टेलीस्कोप मेकिंग का जो किट है वो भी लाए हैं, बच्चे खुद एक टेलीस्कोप बनाएंगे और अपने विद्यालय में ले जाएंगे। और कल 1 अक्टूबर के दिन वो चंद्रयान और टेलीस्कोप को लेकर के उस गांव के अंदर विज्ञान की जन जागरूकता रैली निकालेंगे और स्वच्छता का संदेश भी देंगे। तो ये बच्चों को विज्ञान के प्रति एक आकर्षित करने के लिए, विज्ञान की जागरूकता पैदा करने के लिए बच्चों के लिए बहुत इंटरेक्टिव प्रोग्राम है। यहाँ पर विज्ञान के लिए खेल खेल में विज्ञान, जादू नहीं विज्ञान, विज्ञान की ट्रिक्स, ये बहुत सारे सेशन ये आयोजित होंगे। तो निश्चित ही ये जन सामान्य के लिए और स्कूल के विद्यार्थियों के लिए बहुत एक अच्छा प्रयास है। हमारे माननीय विधायक महोदय ने, हमारे माननीय मंत्री महोदय ने बच्चों के लिए जो विज्ञान की ये एक सौगात दी है, ये निश्चित ही बहुत ही बड़ी सौगात है और सभी के लिए प्रेरणादायी। सर, ये जो कार्यशाला है इसमें करीबन कितने बच्चों ने भाग लिया होगा? अभी सर 300 बच्चे टेलीस्कोप मेकिंग में भाग लेंगे और 300 बच्चे हमारे चंद्रयान में भाग लेंगे, जिसमें हर विद्यालय के बच्चों का प्रतिनिधित्व है और बाकी लगभग 15,000 बच्चे जो है हमारे वहाँ पर जो ओपन सेशन होगा साइंस का उसके अंदर भाग लेंगे। धन्यवाद सर। धन्यवाद। हम मौजूद है इस समय सर्वानी महाराज नगर परिषद भवन के पास में बने कोविड डोम हॉल में और यहाँ पर एक विज्ञान महोत्सव के तहत स्कूली छात्रों का विज्ञान महोत्सव को लेकर विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन होने वाला है, उसी के संबंध में हम बात कर रहे हैं नीमच जिले के जिला शिक्षा अधिकारी श्री सी के शर्मा जी से। शर्मा जी, बताइए कि किस तरीके का आयोजन होने वाला है और क्या कुछ इस महोत्सव में यहाँ शिक्षा विभाग नीमच की ओर से होने वाला है? ये विज्ञान महोत्सव का कार्यक्रम है। यहाँ पर अभी वर्तमान में इस डोम में हमने 600 बच्चे बुलाए हैं। 300-300 के दो ग्रुप बनेंगे। एक ग्रुप जो है यहाँ पर मैपकास्ट के द्वारा जो सामान लाया गया है उसे प्रदर्शनी के अंतर्गत उसमें टेलीस्कोप बनवाएंगे बच्चों से, और दूसरा जो ग्रुप है वो चंद्रयान का मॉडल तैयार करेगा और हर स्कूल अपना एक एक चंद्रयान का या टेलीस्कोप का मॉडल अपने स्कूल में ले जाएगा ये बनाने के बाद। ये आयोजन जो है विज्ञान के क्षेत्र में किस तरीके का संदेश नीमच जिले में देगा? नहीं, अभी तो जैसे देश ने एक बहुत बड़ा बहुत बड़ी सफलता प्राप्त की थी, एक माहौल बना था, उसी माहौल को विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ाए रखने के लिए हर स्कूल तक एक मैसेज पहुंचेगा, हर गांव तक एक मैसेज पहुंचेगा कि किस प्रकार से देश जो है विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और आगे क्या किया जाए। आयोजन के लेके मध्य प्रदेश सरकार और जो नीमच जिला प्रशासन ने उस किस तरीके की आपको जो है प्रोटेक्शन और तैयारियों के लिए आपको जो है समर्थन दिया है? हमें जो है मंच दिया है विज्ञान की जो टीम है भोपाल से, मैपकास्ट की हो या MPCS की, उनकी प्रदर्शनी भी लग रही है तो वो सब लोग अपने सामान के साथ यहाँ आए हैं। वो लोग अभी बच्चों को संबोधित करेंगे, बच्चों के बीच में कार्यक्रम करेंगे, खेल खेल में विज्ञान भी कार्यक्रम बच्चों के बीच में होगा। पहले हम दो कार्यक्रम करेंगे, एक तो टेलीस्कोप निर्माण का और एक चंद्रयान निर्माण का, इसके बाद में खेल खेल में विज्ञान उन बच्चों के बीच में होगा। नीमच जिले के हायर सेकेंडरी हाई स्कूल से संबंधित कितने करीब स्टूडेंट को यहाँ पर इस आयोजन के लिए आमंत्रित किया गया? हमने 6,000 बच्चों को उनके टीचर्स और संकुल प्राचार्य के साथ में यहाँ पर पूरी परिवहन व्यवस्था के साथ यहाँ बुलाया। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में नीमच जिले के जिला शिक्षा अधिकारी श्री सी के शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वानी महाराज से दिनेश बिरवाल की ये रिपोर्ट।